स्वागत, करो स्वागत, करो स्वागत। अतिथि है देवता और हम सब हैं उनके सेवक। मुझे तो खाना देखकर बड़ी भूख लग रही है, बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। हाँ, खाना खाने से क्या हो जाएगा, जल्दी से खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। देखो तुम्हारे पसंद के मोदक, तुम भी खाओ ना। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियाँ होती हैं, जिसके कारण वो जीवन में पराजित होता है। जैसे कि तुम में अधिक भोजन करना, अधिक क्रोध आना और अधिक आलस्य है। गुल्लू तुम्हारी इन कमियों का फायदा उठाएगा, इसलिए तुम्हें अत्यधिक सतर्क रहना होगा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। थोड़े से मोदक खाने से क्या हो जाएगा? हमें खाओ गणेश, इतने स्वादिष्ट मोदक तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे। गणेश तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी यहाँ कुछ नहीं खाया, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम लोग मत खाओ, हम तो भर पेट खाएंगे। अरे इतना सारा खाना तुम लोग कैसे खाओगे? देखते जाओ, ऐसा खाना बार बार थोड़ी ना मिलता है। बहुत हो गया, अब तो पेट में स्थान भी नहीं है। देखो वो कमरे के कोने में कोई अद्भुत मिठाई रखी है। हाँ चलो उसे भी खाकर देखते हैं। अरे रुको, अवश्य इस महल में कोई कमरा होगा जहाँ उन दोनों को बंधक बनाया होगा, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। मैं तो अत्यंत थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है, चलते चलते पैर भी थक गए हैं। इस मायावी महल से पता नहीं हम कब निकलेंगे। हम उनको छोड़ के नहीं जा सकते, किंतु हमारे पास समय भी बहुत कम है। जी कर रहा है कहीं से बिस्तर आ जाए और पार्वती माँ की लोरी सुनते हुए मैं सो जाऊं। आह, कितना मुलायम बिस्तर है। इतना मुलायम बिस्तर तो कैलाश पर्वत पर भी नहीं है। नहीं, गुरुजी ने कहा था कि अगर मुझे उस दानव पर विजय पानी है तो मुझे अपनी कमियों को दूर करना होगा। मैं आलस्य नहीं कर सकता, चलो मैं ढूंढते हैं। लगता है मुझे उन दोनों को स्वयं ही ढूंढना होगा। सेवकों, अब हमें कोई डर नहीं, कल तुम लोग सब हमेशा के लिए दानव बन जाओगे और उसके बाद हम स्वर्ग के देवताओं पर हमला बोलेंगे। हाँ, किंतु हमें गणेश को किसी भी हालत में नीलकंठ पर्वत नहीं पहुंचने देना है। चलो हम सब वही चलते हैं और पर्वत पर पहरा देते हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते पूरी रात निकल गई, किंतु उन लोगों का कोई पता नहीं। मूषक राज को उठा के यहाँ से चलना चाहिए। लगता
कोई चाल थी। मूसक राज को ढूंढना होगा। हमारी मदद करो। यही गणेश है ना? हाँ, कितना अजीब दिखता है। लंबी सी सूट, मोटी सी तोन और बड़े बड़े कान। से डर गए क्या? गणेश एक डरपोक बालक है, इसीलिए तो इसको इसके पिता ने कैलाश पर्वत से निकाल दिया। अब ये धरती पर साधारण मानवों के समान रहेगा। मैं तुम्हें अभी मजा चका सकता हूँ, किंतु मुझे अपने गुस्से पर काबू रखकर अपने मित्रों को बचाना है। मेरे नगर में भुखमरी छाई, किंतु मैंने अपने नगर वासियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर मुझे एक महान ऋषि ने श्राप दिया। हे राजा, मुझे दिन रात भोजन करने एवं आराम करने के अलावा कुछ नहीं आता, जबकि तेरी प्रजा सड़कों पर भूखी मर रही है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, 3 दिन के अंदर ये नगर बंजर हो जाएगा और तू अकेला इस महल में रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।